ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? अपना दुपट्टा संभालते हुए धन्नो ने जैसे ही पूछा तो एक पल के लिए सूरज सकपका गया। तुझे देख रहा हूँ, सच में क्या मस्त लग रही है। तुरंत वह आखिर उसे मोबाइल में कैसी फिल्में दिखाता, संभलते हुए सूरज ने जवाब दिया। धन्नो के बदन से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। चल हट, मुझे जाने दे, न खुद काम करता है और न ही मुझे काम करने देता है। मुंह बनाते हुए धन्नो वहाँ से निकल गई। सूरज अब भी उसे देख रहा था। वह धन्नो के पूरे बदन का मुआयना कर चुका था। एक बार यह मिल जाए तो मजा आ जाए, सूरज के मुंह से निकला। सूरज की अक्सर धन्नो से टक्कर हो ही जाती थी, कभी रास्ते में तो कभी खेत खलिहान में, दोनों में बातें भी होती। लेकिन सूरज की नियत एक ही रहती, बस एक बार धन्नो राजी हो जाए, फिर तो धन्नो को पाने के लिए सूरज हर तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार था। तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता, एक दोपहर धन्नो ने सूरज से पूछा। बस तू हाँ कर दे, तेरे साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ। सूरज ने बात छेड़ी तो धन्नो मचल उठी, तू सच कह रहा है। धन्नो ने खुशी में उछलते हुए सूरज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सूरज को तो जैसे करंट मार गया, वह भी मौका खोना नहीं चाहता था। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सच धन्नो, मैं तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। तू तो जानती है कि मेरा बाप सरपंच है, नौकरी चाहूँ तो आज ही मिल जाएगी। सूरज ने भरोसा दिया तो धन्नो पूछ बैठी, तो नौकरी क्यों नहीं करते, फिर मेरे मामा से मेरा हाथ मांग लेना, कोई मना नहीं करेगा। सूरज ने हाँ में सिर हिलाया। धन्नो उसके इतना करीब थी कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। यहाँ कोई नहीं है, आराम से लेट कर बातें करते हैं, सूरज ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कुछ गड़बड़ कर बैठे तो। धन्नो ने तपाक से जवाब दिया, ब्याह से पहले यह सब ठीक नहीं, मरद जात का क्या भरोसा। इतना कहते हुए वह तीर की मानिंद निकल गई। जाते जाते उसने सूरज के हाथ को कस कर दबा दिया था। सूरज इसे इशारा समझने लगा, फिर निकल गई। सूरज को गुस्सा आ गया, उसे पूरा भरोसा था कि आज उसकी मुराद पूरी होगी, लेकिन धन्नो उसे गच्चा दे कर निकल गई। अब तो सूरज के दिलो दिमाग पर धन्नो का नशा बोलने लगा, कभी उसका कसा हुआ बदन तो कभी उसकी हंसी उसे पागल किए जा रही थी। वैसे तो वह सपने में कई बार धन्नो को पा चुका था, लेकिन हकीकत में उसकी यह हसरत अभी बाकी थी। सरपंच मोहन सिंह का बेटा होने के चलते सूरज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, सो उसने एक कीमती मोबाइल फोन खरीदा और उसमें खूब ब्लू फिल्में भरवा दी। उन्हें देख देख कर धन्नो के साथ वैसे ही करने के ख्वाब देखने लगा। अरे तू इतने दिन कहाँ था, धन्नो ने पूछा। उस दिन हैंडपंप के पास पानी भरते समय दोनों की मुलाकात हो गई। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, अब नौकरी मिल गई है, अगले हफ्ते से ड्यूटी पर जाना है, सूरज ने कुछ सोच कर कहा। अब तो ब्याह के लिए हाँ कर दे। वाह वाह, नौकरी की बात सुनते ही धन्नो उससे लिपट गई। सूरज की भावनाएं उफान मारने लगी, उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ कर दे और कितना तरसाएगी, सूरज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तू गले में माला डाल दे, माम घर दे, फिर जो चाहे करना, सूरज उसे मनाने की जीतोड़ कोशिश करने लगा। अरे वाह, इतना बड़ा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर नजर पड़ते ही धन्नो के मुँह से निकला, क्या इसमें सिनेमा है, गाने वाने हैं? बहुत सिनेमा है, तू देखेगी तो चल उस झोंपड़े में चलते हैं, जितना सिनेमा देखना है देख लेना, सूरज धन्नो के मांसल बदन को देखते हुए बोला। तो वह उसके काले मन के इरादे नहीं भांप सकी, धन्नो राजी हो गई। सूरज ने पहले तो उसे कुछ हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए, फिर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए ब्लू फिल्में दिखाने लगा। ये कितनी गंदी फिल्में हैं, मुझे नहीं देखनी, धन्नो मुंह फेरते हुए बोली। अरे सुन तो, अब अपने मर्द से क्या शर्माना, मैं तुमसे शादी करूंगा तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, उसे अपनी बाजुओं में भरते हुए सूरज बोला। वह तो ठीक है, लेकिन शादी करोगे ना, नहीं तो मामा मेरी चमड़ी उतार देगा, नरम पड़ते हुए धन्नो बोली। मैं कसम खाता हूँ, अब जल्दी से घरवाली की तरह बन जा और चुपचाप सब कुछ उतार कर लेट जा। इतना कहते हुए सूरज अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके भरोसे में बंधी धन्नो विरोध न कर सकी,
तू सच में बहुत मस्त है। आधा घंटे बाद सूरज बोला, किसी को कुछ मत बताना। ले यह दवा खा ले, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन मेरे मामा से कब बात करोगे, धन्नो ने पूछा तो सूरज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। देख मजा मत खराब कर, मुझे एक बार चाहिए था। अब यह सब भूल जा, तेरा रास्ता अलग मेरा अलग, जाते जाते सूरज ने कहा तो धन्नो पर जैसे बिजली टूट गई। अब धन्नो गुमसुम सी रहने लगी, किसी बात में उसका मन ही नहीं लगता। अरे तेरे कपड़े पर ये खून के दाग कैसे, एक दिन मामी ने पूछा तो धन्नो को जैसे सांप सूंघ गया। पिछले हफ्ते ही तेरा मासिक हुआ था। फिर धन्नो फूट फूट कर रोने लगी। सारी बातें सुनकर मामी का चेहरा सफेद पड़ गया। बात सरपंच मोहन सिंह के पास पहुंची। पंचायत बैठी। मोहन सिंह के कड़क तेवर को सभी जानते थे। उसके लिए किसी को उठवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तुम्हारा कहना है कि सूरज ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, सरपंच के आदमी ने धन्नो से पूछा। नहीं, सूरज ने कहा था कि वह मुझसे ब्याह करेगा, इसलिए पहले। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, सूरज ने बीच में टोका। यह झूठ बोल रही है, मैं भी तुमसे शादी करूंगा, तो क्या तू मेरे साथ भी सोएगी, एक मोटे से आदमी ने चुटकी ली। तू है ही धंधे वाली। भीड़ से एक आवाज आई, चुप करो। मोहन सिंह अपनी कुर्सी से उठा तो वहाँ खामोशी छा गई। वह सीधा धन्नो के पास पहुँचा। ए छोकरी, क्या सच में मेरे सूरज ने तुझसे घर बसाने का वादा किया था, उसने धन्नो से जानना चाहा। मोहन सिंह के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, लेकिन न जाने क्यों धन्नो न तो डरी और न ही उसकी जबान लड़खड़ाई। हाँ, उसने मुझे घरवाली बनाने की कसम खाई थी, तभी तो मैं राजी। यह सुनते ही सरपंच का सिर झुक गया। भीड़ अब भी शांत थी। बापू तू इसकी बातों में ना। सूरज धन्नो को मारने के लिए दौड़ा, चुप रह, शर्म नहीं आती अपनी घरवाली के बारे में ऐसी बातें करते हुए। खबरदार, अब धन्नो के बारे में कोई एक शब्द कहा तो, यह हमारे घर की बहू है। अब सभी जाओ, अगले लगन में हम सूरज और धन्नो का ब्याह रचाएंगे। धन्नो मोहन सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। उसके मुंह से इतना ही निकला, बापू तुमने मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।